कांगड़ा के नगरोटा सूर्या में कोको कोला कंपनी द्वारा बनाए गए चेक डैम से सकरी गांव के लोग बेहद खुश हैं। डैम के बनने से स्थानीय लोग मछली पालन और बागवानी कर स्वरोजगार को बढ़ावा दे रहे हैं। ये डैम साल 2010 को गुरप्रीत सिंह कंधारी के नेतृत्व में बनाए गए थे, जिसकी लागत करीब 60 लाख रुपए आई थी। कांगड़ा में नगरोटा सूर्या के गांव सकरी में कोका कोला द्वारा बनाए गए चेक डैम गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहे हैं। साल 2010 में कोका कोला कंपनी द्वारा सरदार गुरप्रीत सिंह कंधारी के नेतृत्व में कांगड़ा में 3 डैमों का निर्माण करवाया गया, जिसमें से 2 डैम सकरी गांव में हैं और 1 डैम कटोरा पंचायत में पड़ता है, जिनकी लागत उस समय 60 लाख रुपए थी। इन डैमों के बनने से यहां के लोगों को काफी फायदा मिला है और गांव की तस्वीर बदल गई है। इसका श्रेय तो मैं गुरदीप सिंह कंधारी को देना चाहूँगा, क्योंकि इसमें ऐसे था कि अप्रैल और मई जून में पानी यहाँ पर जो है सूख जाता था, लेकिन डैम बनने के बाद और उसी 3 महीनों में हमें ज़्यादा ज़रूरत होती थी, लेकिन अब उनकी कृपा से हमारे ऐसी समस्या अब नहीं है। बड़े फ़ायदे मिल रहे हैं जी चेक डैम बनने से। चेक डैम बनने से हमने मत्स्य उगा शुरू किया और उसमें डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में बेस्ट अवार्ड मिला कृषि का। लगभग 15-20 घर ऐसे हैं जो जिन्होंने अपनी रोजी रोटी चला रहे हैं। अब जहां पूरा देश इस समय सूखे की चपेट में है, तो वहीं इन पंचायतों में हरे भरे खेत लहरा रहे हैं। डैम के बनने से यहां पर मछली पालन कर लोग अपनी आजीविका कमा रहे हैं। मैं सरदार गुरदीप सिंह कंधारी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हूं कि जिन्होंने हमारी पंचायत में 2 प्रोजेक्ट लगाए हैं और इसमें जो है जो 2 चेक डैम बने हैं, इससे जो है आप सामने देख रहे हैं कि खेतीबाड़ी की सिंचाई किस प्रकार हो रही है और किस प्रकार इस वक्त बारिश नहीं है तो भी यहाँ पर हरा भरा सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब्जी लगी हुई है और डेयरी चला रहे हैं जिन श्री त्रिलोक सिंह, तो उन्हें इसका काफ़ी फ़ायदा हुआ है और इसके साथ में गाँव के लोगों को भी बहुत फायदा हो रहा है। एक और बना, एक ग्राम पंचायत जरूर में बना है। अच्छा, 2 जो डैम थे वो सकरी पंचायत, 2 सकरी पंचायत में, इसमें टेक्निकली गाइडेंस मैंने दी थी। तो इसका क्या उद्देश्य क्या था? उद्देश्य तो ये था, इसमें एक तो यहाँ पर सब्जी वगैरह उगा लेते हैं, पानी इरीगेट कर लेते हैं, दूसरा वाटर लैब नीचे नहीं जाएगा और कुछ मत्स्य पालन भी कर रहे हैं यहाँ के युवा। गाँव के लोगों का कहना है कि गुरप्रीत सिंह कंधारी उनके लिए किसी फरिश्ते से कम नहीं है, जो उनके द्वारा एक छोटे से गांव में इस तरह का प्रोजेक्ट लगाकर लोगों को फायदा पहुंचाया गया है। यही नहीं, इन डैमों के बनने से गांव में पानी की समस्या भी खत्म हो गई। नूरपुर से अजय गुलेरिया के साथ प्रीति गोयल, डे एंड नाइट न्यूज, चंडीगढ़। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ, कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। खबरों के साथ बने रहिए रात दिन।